गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग वर्ब के जो सेकंड फॉर्म है ना उसका यूज़ पढ़ेंगे। अब आप कहोगे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो याद करते हैं हम लोग। लेकिन देखो क्या प्रॉब्लम है, आप लोग कहते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करते हैं, हमें पता होता है कि इसके यूजेस क्या है। मैं अभी ज़्यादा पे नहीं चलूँगी आपको, क्योंकि मैं वर्ब के सेकंड फॉर्म की बात कर रही हूँ। आप ये तीन फॉर्म जानते हो, आपको वर्ब का बेस फॉर्म भी जानना चाहिए। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करके ख़त्म करेंगे अभी हम। कहोगे वर्ब का बेस फॉर्म तो कुछ होता ही नहीं है, जैसे देखो प्ले है तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म होता है मैम प्ले, सेकंड फॉर्म होता है प्लेड और थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, यही कहोगे। फिर कहोगे अच्छा से है, तो देखो आप से है अगर तो फर्स्ट फॉर्म से होता है, सेकंड फॉर्म सेड होता है और थर्ड फॉर्म भी सेड होता है ना। लेकिन जरा मुझे बताओ, आप तो यहाँ तक जानते हो कि फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म तो सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आप बी के फॉर्म में आओ तो देखो बी बेस फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है was were और थर्ड फॉर्म है being। यहीं से मैं आपको डिफरेंस समझा सकती हूँ कि बेस फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल अलग चीज है। खुद सोचो, मैंने कहा is am are, अगर मैं कहूँ he की बात करूँगी ना तो is लगाऊंगी, he is a singer, देखो। लेकिन अगर मैं we कहूँगी तो we are students। अब आप देखो जरा ध्यान से, जो आपने फर्स्ट फॉर्म की बात की ना, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। ये सिंगुलर फॉर्म है ही के साथ आया और ये प्लूरल फॉर्म है जो वी के साथ आया, ठीक है। यानी अगर हम प्ले की बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल फॉर्म है, अगर इसमें एस लगा दोगे तो सिंगुलर फॉर्म होगा। आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल फॉर्म है उसको कंफ्यूज करते हो आप वर्ब के बेस फॉर्म से। भाई वर्ब का बेस फॉर्म है जिससे सारे फॉर्म्स बने, और वर्ब का बेस फॉर्म का जहाँ जहाँ यूटिलिटी होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। लेकिन पहले हमने जो आपको कहा कि मैं आज पहले वर्ब का सेकेंड फॉर्म बताने जा रही हूँ उसका ध्यान से सुनो। कहोगे वर्ब का सेकंड फॉर्म तो हम सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ते हैं, जो लोग टेंस पढ़े हो उसको मैं बताऊं। और अगर मैं कहूं आई प्लेड, इसका मतलब मैंने खेला, तो सेकंड फॉर्म हो गया, मतलब फिनिश्ड है, जो एक्शन खत्म है, यानी कि पास्ट का एक्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। अब ये मुझे बताइए जरा, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट एक्शन, फाइन। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम खेला करते थे तो वी प्लेड एवरी डे, हम रोज खेला करते थे, क्या ये गलत है? कहोगे नहीं, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि वी प्लेड एवरी डे ये पास्ट रूटीन बता रहा है, पास्ट रूटीन के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फाइन। लेकिन इससे बेहतर मैं कह सकती हूँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, कि अगर ये रहे और हम कहें वी यूज टू प्ले एवरी डे, इन दोनों में से कौन बेहतर है, तो पास्ट रूटीन के लिए आपका फर्स्ट चॉइस ये होना चाहिए, ये सेकेंड चॉइस होना चाहिए। क्योंकि प्लेड तो आपको कंफ्यूज कर रहा है ना कि मैंने खेला, कि हम खेला करते थे, फिर कहेंगे अच्छा एवरी डे, इसका मतलब हाँ रोज खेला करते थे, यानी पास्ट की रूटीन की बात की जा रही है। लास्ट वर्ड तक जब तक नहीं आए तब तक हमें पता नहीं चला कि हम खेला करते थे कि खेले, किसकी बात हो रही। इसीलिए ज़्यादा क्लैरिटी ये दे रहा है, भाषा में क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत होती है, जो मैं बोलना चाह रही हूँ आपको वही समझ में आए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसीलिए ये बेटर चॉइस होगा। चलो खत्म, दो ही तो यूज है ना, दो यूज नहीं है। वर्ब का एक और यूज है सेकंड फॉर्म का। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं,
देखो ध्यान से, ही वॉक्स एज इफ द होल अर्थ डैश टू हिम, कहते हैं वो ऐसे चलता है जैसे पूरी धरती उसी की हो। तो हम सोचते हैं पूरी धरती उसी की हो, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेंस पढ़े रहते हैं तो, और कहते हैं अच्छा अर्थ है, सिंगुलर है तो बिलोंग्स लगा दिए, ये गलत है। अगर मैं कहूँ बिलोंग्स टू हिम, इसका मतलब है हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि पूरी धरती उसी की है, वो चलता है ऐसे और पूरी धरती उसी की है। आपने रियलिटी बता दी, रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ऐसे जैसे कि पूरी धरती उसी की हो, इसका मतलब है कि धरती तो उसकी नहीं है, है ना। तो प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए भी वीटू आता है, प्रेजेंट इमेजिनेशन समझते हो, वर्तमान में इमेजिनेशन। अगर मैं कहूँ काश मैं पंछी होता, इसका मतलब है कि मैं पंछी हूँ नहीं और ना ही मैं पंछी थी, पंछी हूँ तो आई एम अ बर्ड, पंछी थी तो आई वॉज अ बर्ड, लेकिन कह रहे हो काश मैं पंछी होता, कब की बात कर रहे हो, पास्ट की बात नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट का इमेजिनेशन कर रहे हो। ध्यान रखो वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए आता है, आई विश आई वर अ बर्ड। अब आओ फिर से, वर क्यों आया, वॉस क्यों नहीं आया, आई के साथ तो वॉस आता है, आई ही शी इट नेम जितने भी सिंगुलर है उनके साथ वॉस आता है। आई वॉस अ बर्ड का मतलब होता है मैं पंछी था, आई एम अ बर्ड का मतलब मैं पंछी हूँ, मैं कह रही हूँ काश मैं पंछी होती, प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म लगाया, देखो सेकेंड फॉर्म लगाया यहाँ पे, सिवाय वॉस को छोड़कर, वॉस को छोड़कर जितने वर्ब के सेकेंड फॉर्म हैं उन सबको लगा दो, कहाँ पे, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए। जैसे मैंने बिलोंग का लगाया है और बी के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, सिर्फ वॉस नहीं आता। सो ये है वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल, कहाँ कहाँ कहाँ, पहला पास्ट जो खत्म हो चुका, दूसरा पास्ट रूटीन जिससे बेहतर ऑप्शन आपके पास है यूज टू वाला, और तीसरा प्रेजेंट का इमेजिनेशन यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट का इमेजिनेशन में भी इस्तेमाल होता है, इसका ध्यान रखोगे।